नमस्कार दगड़ियों, बिटोलिया से जी में आपका स्वागत है। मैं विनीता बोरा एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाली वायर रैपिंग करनी सिखाई थी कि ये वायर रैपिंग कैसे की जाती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वाले वायर रैपिंग की कैसे की जाती है। ये दोनों आइटम वायर रैप से बने हैं, ये ब्रेसलेट है और ये इयर रिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हम सबसे पहले वायर लेंगे, इसको मैं चार फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैंने इसको चार फोल्ड कर दिया। अब जिस साइड से इसका नुकीला सिरा होगा उस साइड से चारों को काट दूंगी और पीछे की साइड से हुक लगाने के लिए इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। अब हमने क्या करना है, बीट्स डालने के लिए आगे के चारों से बराबर कर देते हैं। ये बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, बीच की जो दो वायर्स होंगे, इसमें दो वायर को बीच में लेके दो वायर में एक मोती डालेंगे। देखिए दो वायर में एक मोती डाला। अब जिसमें मोती डाला है उस वायर को खोल देंगे और पीछे वाली वायर को बंद कर देंगे और उसमें फिर से एक मोती डाल देंगे। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा बनाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी वीडियोस उन महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या उन सभी महिलाओं के लिए जो कुछ सीखना चाहती हैं। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। और उत्तराखंड में भीमताल ब्लॉक की महिलाओं से स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इसे शुरू करना चाहती हैं इस तरह से किसी काम को और उन्हें ये सामान मार्केट से लेने में कोई दिक्कत हो रही हो या उन्हें मिल नहीं रहा हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। बहुत ही आसान है, हर कोई इसे बना सकता है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसे आप किसी भी कलर के मोती बीड्स वगैरह डाल के इसे तैयार कर सकती हैं और इससे एंकलेट्स, ब्रेसलेट, इयररिंग्स बना सकती हैं। Thank you.
इसे बीच में हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे कि ताकि ये खुल ना जाए। इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे मोड़ते वक्त। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिरा ऐसी ना हो कि वो किसी भी उस हालत में चुभे या कपड़ों में फंसे, इस तरह से नहीं बनाना है। ये हमारा पेयर बनके तैयार है, इसे अच्छे से आप शेप दे देंगे। अब हमने क्या करना है, इसके हुक मैचिंग के बनाने हैं। हुक बनाने मैंने आपको कल बताए थे, एक बार मैं आपको फिर से हुक बनाना बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा मोटी वायर, इसको दो हिस्सों में कर देंगे। सीधा कर लेंगे। अब एक साइड हुक के लिए से थोड़ा सा मोड़ लेंगे, इसे भी मोड़ लेती हूँ। अब हम लेंगे फिर से किसी पैन का सहारा, ये देखिए थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इधर से खोलेंगे, इसे फिट करेंगे। ये इयररिंग्स रेडी हैं। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इस हिस्से को थोड़ा सा घिस लेना है कि ये कान में चुभे ना, ये वाले हिस्से को। उसके बाद ही मार्केट में बेचने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।